आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो दरगाहों को लेकर है कि देखिए आज मेरे हाथ में ये उर्दू का औरंगाबाद से शाय होने वाला प्रकाशित होने वाला उर्दू अखबार है जो पूरे मराठवाड़े में महाराष्ट्र में देखा जाता है, पढ़ा जाता है और इसका चैनल भी है। और ये एक औरंगाबाद टाइम्स पेपर, ये भी औरंगाबाद से प्रकाशित होता है, शाय होता है पूरे मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में इसे भी बहुत मकबूल आम पेपर है। और ये दोनों पेपर के फ्रंट पे एक न्यूज़ है, देखिए वो न्यूज़ ये है, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि फिर बाद में बातचीत करने में आसानी हो सके। देखिए रीडिंग है, महाराष्ट्र में बुलडोज़र एक्शन, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में नासिक चांदवाड़ा शाहरा पर मौजूद मज़ार को किया गया मनदम, यानी कि हटा दिया गया, तोड़ दिया गया। और ये एशिया एक्सप्रेस है, इसके फ्रंट पे ये है और हाईवे की फ़ोटो भी है। और तोड़ने से पहले मज़ार की फ़ोटो कैसी थी, मज़ार कैसा दिखाई दे रहा था वो भी है, और तोड़ने के बाद वो कैसा दिखाई दे रहा है वो भी है। तो इसमें जो तफसीलात आई हैं वो तफसीलात इसलिए है कि भाई बीजेपी के रुकन असम्बली यानी आमदार नीतीश राणे ने इसको जो है तो विधानसभा में उठाया था कि कौमी शाहरा पर यानी कि हाईवे पर जो दरगाह हैं नाजायज ये वो, उसे हटाया जाए ये वो। और उसमें उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि भाई जहाँ भी शाहरा से जो हमारे मंदिर है, हिंदू मंदिर थे, तो हिंदू समाज ने इसको मतलब रास्ते को देखते हुए या किसी को तकलीफ ना हो तो उन्होंने अपने मंदिर को अपनी स्वेच्छा से हटा के दूसरी तरफ बनाया, इसका भी उसमें जिक्र आया हुआ है। और इसको जो है तो हटा दिया जाए, बहरहाल उनकी डिमांड पर बोलिए या जो भी है, या उनकी मांग पर ये नासिक की उस पर हटाया दिया गया। लेकिन उसमें जो सबसे जो तकलीफ़ देने वाली बात यह है, तकलीफ़ देने वाली बात यह है कि उसमें जो ज़िक्र किया गया है कि नाजायज़ मज़ार। अब सवाल ये है कि मज़ार नाजायज़ कैसे होती है, ये सवाल है। यानी जब ये लफ्ज़ आ रहा है कि मजाज मतलब मज़ार जो है तो नाजायज़, तो कैसी हो सकती है भाई? जब तक एक आदमी चाहे गुनहगार क्यों ना हो, जैसा जो भी हो, जब तक उसको दफन नहीं किया जाता, उसकी खबर नहीं बनती, यानी मुर्दा गड़ने के बाद यानी मैयत में दफनाने के बाद उसको हम खबर कह सकते हैं एक आदमी की, ये तो मज़ार शरीफ है। अब यहाँ जो भी उस ज़माने के पुराने ज़माने के कोई बुजुर्गान अलिया बोलो, कोई नेक वली बोलो, नेक हस्ती बोलो, उनका इंतकाल हुआ होगा उस ज़माने के हिसाब से। अब चूँकि अब ये अचानक रास्ते बन रहे हैं, तो पहले ज़माने में तो लोगों ने सोच के तो उनको दफन नहीं किया गया होगा जानबूझ के कि चलो भाई आज से 100 साल के बाद यहाँ पर सब हाईवे निकलने वाला है, उनको हेंच गाड़ो। ऐसी उनकी ना मानसिकता होंगी, ना उनकी कुछ ज़िद थी, आबादियाँ कम थी, जैसी जगह मिली थी। और आज भी पूरे इसमें देखो आप, जहाँ शहर बढ़ रहे हैं, ग्रामीण जो इलाके, अगर मैं औरंगाबाद की मिसाल लूँ तो पड़ेगा है, हरसूल की तरफ के परिसर है, बहुत दूर दूर के परिसर है, सतारा परिसर है, ये कभी ग्रामीण में हुआ करते थे, यहाँ पर कोई जाता भी आदमी जल्दी जाता नहीं था। लेकिन आज वहाँ का इतना मामला है कि वहाँ पर 10-10 माले की 6-6 माले की बिल्डिंग बन रही है, एक VIP एरिया बन रहा है, जो भी है मतलब आप देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। तो कहने का मतलब ये देखिए कि नाजायज़ मज़ार, तो कहीं ना कहीं एक ये एक दुख देने वाली बात है। अरे मुसलमानों की एक संभावना भंग होने की बात है। देखिए कि ठीक है, अगर कोई मसला है, कोई ये है भाई, बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, उसको क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो बड़े मिलकर फैसला करेंगे उनकी सहमति के साथ। लेकिन इसको इस तरह से हटा देना, गवर्नमेंट के एक्शन में आ जाना और उसके अंदर ये लिखना जैसा इसमें अखबार में आया है, मैं उसकी बिना पर कह रहा हूँ कि नाजायज़ मज़ार। अब नाजायज़ का मतलब ये होता यानी कि ज़बरदस्ती की बनाई हुई खबर, ज़बरदस्ती की बनाई हुई दरगाह, उसका मतलब ये निकलता, ये शब्द के मैंने ये निकलते, तो ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट के नाम पर अगर सरकार कदम उठाती है तो जो बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान हैं, सरकार उनसे बातचीत कर सकती हैं, उसको कैसा कर सकते हैं, या उसको अगर कुछ अगर वाकई बहुत मजबूरी है या जो भी है, तो भाई अगर एक 10-15 फिट यानी बहुत ही मजबूरी है, पहली बार तो इसका कोई तस्वूर नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते ही हैं, आपकी चाहत ही है, क्योंकि जब से जो है तो
बाबरी मस्जिद राम मंदिर का फैसला आया, जब से तो मामले भूचाल अलग चढ़ रहे हैं। अब अगर आप चाहती हैं तो कम से कम उसको 10 फीट 20 फीट खोद के एक चौकोनी ऐसा कुछ एक नया इक्विपमेंट, जो आप जो है तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पहाड़ों के दामन से आप ट्रेन निकाल दे रहे, ऊपर पहाड़े नीचे से मतलब बड़े बड़े बोगदे हो जा रहे, तो ये भी मुमकिन है कि भाई मुसलमानों की भावना भंग ना हो तो हमें एक अतराफ़ का मतलब 5 फीट का दायरा ज़मीन नीचे तक 20 फीट खोद के उसको आधार एक किरण से निकाला जाए, उसको सुरक्षित जगह पर शिफ्ट की जाए, और जितनी उसकी ज़मीन है दरगाह की जो भी ज़मीन है मतलब 20x30 बोलो 40 बोलो जो भी है, वह इसमें सर्कल ने बनी भी है, उतनी जो है तो सरकार जो है तो मुसलमानों की भावनाओं का ख्याल करते हुए, उनके जज्बात ख्याल करते हुए उसको वहाँ पर जो है तो एक ट्रांसफ़र किया जाए। भाई ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे मुफ्ती अकराम ही समझ सकते हैं, क्योंकि मामला अकीदत से जुड़ा हुआ है, इसके अंदर तो कोई राय भी देने सकता है, क्योंकि जहाँ धर्म की बात आती है, जहाँ आस्था की बात आती है, तो वहाँ पर कुछ चलता भी नहीं, चाहे कोई भी समाज का हो। लेकिन अगर आप वाकई मजबूर हैं या आप समझते कि नहीं है इसके अंदर ये आइए यहाँ पर वो ट्रैफिक का मसला हो रहा है, या यहाँ पर दरगाह बीच में रहने से कुछ हादसे हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, या जो भी है आपकी मंशा रही होंगी उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, ना हम कुछ बोल सकते, लेकिन एक थोड़ा बहुत कि भाई बोलते ना एक झूठी तसल्ली कह सकते हैं, एक इत्मीनान कह सकते हैं, तो ये थोड़ा सा इक्का दुक्का ऐसा रास्ता निकल सकता है। खैर ये भी कहाँ तक सही है मैं भी नहीं कह सकता, और मेरी एक ही अपना ज़ाती ख्याल है, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, इसमें तो ज़्यादा बेहतर तो हमारे उलमा इकराम कह सकते हैं, या दरगाह के जो कमेटी को जिम्मेदार वो कह सकते हैं, ये शरीयत में इसकी क्या गुंजाइश है वो ही कह सकते हैं, लेकिन ये मेरा अपना एक ख्याल है। तो देखिए ये बात होगी। अब दूसरी बात इसी से जुड़ते हुए, अब मैं तमाम हिंदुस्तान भर के जो खुदामीन हैं, दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान हैं, और सब में ज़्यादा दरगाह हम समझते हैं कि जो निज़ाम का स्टेट हुआ करता था एक ज़माने में, जिसमें औरंगाबाद भी आता, बहुत बड़ा इलाका था हैदराबाद तक, ये एक स्टेट ये मामला है, और दिल्ली के आसपास के इलाके, बंगाल के आसपास के इलाके, क्योंकि ये उस टाइम ज़माने में जो मुस्लिम मुग़ल बादशाह होते थे, तो उन्हीं के दौरे काले काल में जो है तो ये ऐतिहासिक मस्जिदें बनी, मकबरे बने, कब्रस्तान बने, और ख़ास करके जो उनके साथ जो बुजुर्गानदीन औलिया आए थे या साथ आए थे या जैसा भी उनका एक अमन शांति का पैगाम लेके आए थे, तो उन्होंने एक इंसानियत का काम किया, जो भी भलाई काम किया, और बाद में उन्होंने यहीं उनका इंतकाल हुआ, बाद में फिर उनको एक अच्छे अंदाज से मतलब दफन किया गया, फिर हर बादशाह ने बोलो या उनके चाहने वालों ने बोलो अपने अपने हिसाब से उसका, किसी ने उसका मकबरा बनाया, किसी ने संगमरमर से बनाया, किसी ने पत्थरों में बनाया, बहरहाल वो समय समय की बात है, जो भी है वो आस्था का मामला है, मोहब्बत का मामला है, लेकिन बुजुर्गान दीन की एक अहमियत है इस्लाम में। बुजुर्गान दीन बोले तो अल्लाह का वली, ये इसकी ठोस शक्ल है। आप कोई अल्लाह के वली के मज़ार को अगर ऐसा ये कह दे कि वे नाजायज़ है, तो इसका मतलब एक परंपरा चल जा रही कि भाई हो सकता है आने वाले वक्तों में फिर और नई दरगाह पे बोलेंगे कि ये भी एक नाजायज़ है, बताओ इसके कागज़ पत्तर ये वो सारी बात है, तो इसको देखकर तो खैर ये घटना अलग है, अभी गवर्नमेंट का अपना मामला है, इसमें हमको ज़्यादा कह नहीं सकते, सरकार है, सरकार की जो भी है, लेकिन वक्फ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों को जो पूरे भारत में वक्फ बोर्ड बना हुआ है, देखिए अभी उनकी अखलाकी जवाबदारी, और जो दरगाह कमेटी के जो लोग हैं, जो कि हमारे खुलदाबाद शरीफ हम देखते हैं, औरंगाबाद ज़िले के अंदर बेशुमार दरगाहें हैं, क्योंकि ये जाहिर सी बात है ये निज़ाम स्टेट का गढ़ था, एक इस्लामी रियासत थी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मतलब आज कब्रस्तान दरगाह खानखाओं को सरकार ने उस टाइम एक मदद करी, ये करी, ये फूले फले ये बाकी रहे और आज भी बाकी है, और बहुत से तो आज खंडर की शक्ल में है, तो कम से कम बुजुर्गान दीन औलिया के आस्थाने बोलिए, उनके मज़ारात को बचाने के लिए बोलिए, अब ये आपकी जवाबदारी है। अब इसके अंदर जो है ना तो कहीं ना कहीं जो अपने दरगाहों के ज़मीन के मामले थे, कई 100 एकड़ है, कि 50 एकड़ है, कि 10 एकड़ है, कि 20 एकड़ है, तो ये बहुत से जगह पर ज़मीन हत्यारे के मामले सामने हैं, नाजायज तरीके से या फ्रॉड या मुतवली बन गए, ये बन गए, बहुत पेपरों में आया हुआ है। तो आपसे हाथ जोड़कर तमाम दरगाह के मुतवलियान से और वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, तमाम इस्लामी संगठन के चारों जिम्मेदारान से, सरबराहों से, और आखिरी में मुस्लिम नेताओं से, ये आपकी जवाबदारी है कि भाई मिसाल तौर पर बे औरंगाबाद में कोई दरगाह है, ठीक है, तो कम से कम वहाँ पर एक लवे का बोर्ड लगा हुआ, ये बैनर नहीं, बैनर क्या है, 6 महीने में धूप पड़ी तो काला पीला हो जाता, हवा से फट जाता, पहले तो बने लवे के बोर्ड आते थे, लवे के बोर्ड के ऊपर देखो लिखा जाता था तो सालों साल चलते थे, तो लवे का मजबूत बोर्ड उसके ऊपर प्रिंटर हाथ से लिखा हुआ, वो दरगाह का पूरा नाम, नंबर 1,
और गैजेट नंबर डालो कि वक्फ बोर्ड में गैजेट नंबर इसका ये है और उसका क्षेत्रफल और दरगाह को इनामी ज़मीन कितनी है, कौन से शहर में है, कौन से गांव में है या बाजू में है, दूर है। बहुत सी दरगाह ऐसी है कि औरंगाबाद में है, उसकी ज़मीन का नाम जो है तो दूर दराज में है, ऐसी दरगाहें भी हैं। तो उसका लिखो कि भैया फला फला दरगाह शरीफ, इसका वक्फ बोर्ड में गैजेट नंबर ये, इसका क्षेत्रफल इतना, इसकी ज़मीन अतराफ़ की इतनी, ये उसमें नुमाया तौर से लिखो। वैसे पश्चिम में इतने, पूरब में इतने, एक नक्शे के साथ उस पर करो। उसके साथ में इसकी इनामी ज़मीन कुछ है क्या, 8 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ जो भी है, तो वो कहाँ पर है, उसका गैजेट नंबर क्या है, उसका 7-12 नंबर क्या है, ये आप उसके अंदर लिखो। ये आपको लिखना पड़ेगा। तो उसमें ये होगा कि हमारे पास क्या है कि ये दरगाहें जो हैं पूरे हिंदुस्तान भर की, ये हिंदू मुस्लिम एकता का केंद्र है। और बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में सभी समाज के लोग ये एक बुजुर्गान औलिया के आस्थाने से फैज पाते हैं और इनके प्रति एक विश्वास, एक मोहब्बत, एक प्रेम, एक भाईचारगी रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं। जब भी हम उर्स मेले आते हैं या संदा शरीफ होता है, हर समाज का कोई ना कोई कम ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं और उस बहाने से हमारी हिंदू मुस्लिम एकता बनी हुई है, ये केंद्र है। तो मुझे व्यक्तिगत तौर से ऐसा लगता है कि अब जो हमारे जो आस्था का जो केंद्र है, यानी जो हिंदू मुस्लिम एकता का केंद्र है, जिससे हमारा समाज, हमारा प्रदेश, हमारा देश मजबूत होता है, जहाँ पर सब समाज के लोग आते हैं, गले मिलते हैं, तबरुक खाते हैं, मिठाई खाते हैं, बधाई देते हैं, एक छत के नीचे आते हैं, तो एक बड़ा प्यारा सा एकता का मंजर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कुछ मुट्ठी भर लोगों को वो एकता भी रास्ते आ रही है, ऐसा मुझे व्यक्तिगत तौर से लगता है। अब कहाँ तक सही है तो आप भी समझिए कि मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। बहरहाल मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक और एक ही मकसद है कि अब वक्त आ गया है कि थोड़ा दरगाह के जो कमेटी के लोग हैं ना, ये थोड़ा सा उठो आप, और हमारा देश चांद पे चले गए तो कम से कम तुम ज़रा बाहर तो निकलो। ये तो वही मिसाल हो रही ना कुएं का, जैसा मेंढक बोलते, तो कुएं का मेंढक क्या समझता, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, मेरे को बुरा बोलने का मकसद नहीं, लेकिन आपको एहसास दिलाने कर रहा हूँ। कुएं का मेंढक क्या बोलता, वो कुएं में रहता, उन्हें क्या बोलता, बस मेरे से बड़ा समंदर कोई नहीं। और उसको बोलते बाबा टेढ़े बातें मत कर, बाबा बाबा मेंढक साहब, ओ मेंढक साहब तुम कुएं में है, समंदर अलग रहता, तालाब अलग रहता। तो मेंढक क्या होता, टाए टाए टाए, उन्हें बोलता नहीं, मेरा कुआं सबसे गहरा है, मेरा कुआं सबसे बड़ा है। और जब वही मेंढक को जब ठीक है बाबा, जब मेंढक को लिया कि जब कोई तालाब में छोड़ते, तालाब के बीचों बीच में छोड़ते, ये समंदर में छोड़ते, जैसी कुएं को जो तो मेंढक को तालाब को छोड़ते, तो फिर मेंढक को ऐसे दिखता, अरे बाप ये तो बहुत बड़ा है ये, और कुएं का कुआ कितने रहता, 5x5 का है, भूसे का 10x10 का रहता, 10x10 का सर्कल। और जब कुआ जैसे तालाब में जाता या समंदर जाता तो क्या बोलता, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, नहीं हो ताली नहीं मिलता। तो ऐसी हमारी सोच होगी, यानी कि आज हम कुएं से निकल रहे नहीं, जबकि समंदर खुला है, तालाब खुला है। हमको भी सोचना चाहिए तालाब कितना बड़ा है, समंदर कितना बड़ा है, समंदर क्यों बना, तालाब क्यों बना, ये सब एक समझने के लिए बड़ा आपको थोड़ा हमको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हालात बदल रहे हैं। मसला क्या है, हालात बदल रहे हैं, तो थोड़ा भी आपको अपने अंदर बदलाव आना पड़ेगा। और कानून भी मौजूद है, वक्फ बोर्ड के कानून मौजूद है और सरकार की भी कानून मौजूद है। आज भी हालांकि इतने फितनों का दौर चढ़ा, एक तनाव की शक्ल है, लेकिन आज भी इतना प्यारा माहौल है, गंगा जमुना तहजीब का माहौल अटूट है, बहुत प्यारा माहौल है। कि आज हमारी बड़ी देश की संख्या हमारे हिंदू भाइयों की, जो सेकुलरिज्म पर विश्वास रखती है, जो हिंदू मुस्लिम एकता पर विश्वास रखती है, बहुत बड़ी बात है। तो जब ऐसी जब बातें निर्माण होंगी, अब जाहिर सी बात है, अब ज़रा कल्पना कीजिए, अब मैं है, मैं भी मुसलमान है, अब मैं जब खबर पढ़ रहा था तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि नाजायज़ मज़ार कैसी बनाई गई थोड़ी देर के वास्ते। और फर्ज करो अगर ये सही घटना है कि किसी ने छिपती भी अपना मज़ार कुछ ऐसा बना दिया, उस पर हरा गिलाफ डाल दिया, अल्लाह ना करे अगर ऐसी बात हो रही, अल्लाह ना करे, हाँ मैं माफी के साथ कह रहा हूँ, तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है। ये तो हमारे बुजुर्गानदीन के जो मज़ारा थे इनके साथ एक तरह से खिलवाड़ है भाई। आज मतलब इनके ऊपर बिल्डोजर चलता है या हटती है तो कल को फिर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, खुलदाबाद शरीफ है, दौलताबाद शरीफ है, कई अल्लाह के नेक वली वहाँ जो तो लेटे आराम फरमाए, कल को अगर और कोई 100 करोड़ बनता है तो बोलेंगे अच्छा है भाई यहाँ से एक मज़ार शरीफ हटी, यहाँ भी हटा दो, ये कल्चर बन जाएगा, वहाँ हटी फिर बोलेंगे खुलदाबाद में हटी, उसके बाद बोलेंगे कन्नड़ में हटी, ऐसा हो सकता है। तो खैर कुछ बदगुमानी करना या कुछ बुरा बोलना भी मकसद नहीं है, क्योंकि सरकार भी कभी फैसले लेती हैं
तो विकास के नाम पे लेती हैं, लेकिन जहाँ आस्था का मामला जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर सरकार से भी हमारी गुजारिश है कि इसके बारे में ज़रा सोचिए आप। ये ऐसा कुछ होता है, या ये भी हो सकता है कि भाई हम थोड़ा सा जो दरगाह शरीफ आ रही है तो 5 किलोमीटर पीछे और 5 किलोमीटर आगे अगर सीधा जा रहा है तो हम थोड़ा ऐसा करके भी ले सकते ताकि वो दरगाह शरीफ मतलब महफूज हो जाए। और दरगाह ही नहीं, वहाँ अगर चर्च आ रहा है, वहाँ अगर हमारा मंदिर आ रहा है, हनुमान मंदिर आ रहा है, राम मंदिर आ रहा है, जो भी अगर मंदिर आ रहा है, किसी धर्म समाज का स्थल आ रहा है, तो उसे हम पहले फुर्सत में बचाने का प्रयास करें। थोड़ा अगर टर्न ले सकते हैं, ये कर सकते, क्योंकि आज भी हम देखते हैं जब ट्रेन में जाते हैं, कब दिल्ली जाते हैं, आगरा जाते हैं, तो बीच में कहीं कहीं आपको जो है तो बड़े बड़े मंदिर दिखेंगे, पुराने ज़माने के चर्च दिखेंगे, ट्रेन के बाजू आपको मस्जिद दिखेंगी, दरगाह दिखेंगी। तो ये जो दरगाह दिखती हैं, चर्च दिखती है, मंदिर दिखती हैं, दरगाहें दिखती है, तो ये हमारी देश की खूबसूरती है। और ये देख के हमें ऐसा लगता है कि हमारा ये सही मानों में एक हिंदू मुस्लिम एकता का देश है, ये हमारी ताकत है। ये जो भी हमको मंदिर दिखते हैं ट्रेन में जाते वक्त, बस में जाते वक्त, कहीं मंदिर दिख जा रहा, कहीं दरगाह दिख जा रही, कहीं मस्जिद दिख जा रही, कहीं शमशान भूमि दिख जा रही, कहीं कब्रिस्तान दिख जा रहा, कहीं भगवा झंडा दिख रहा, कहीं हरा झंडा दिख रहा, कहीं पीला झंडा दिख रहा, तो ये हमारी ताकत है, ये हमारी धार्मिक ताकत है। इसको हमको बनाए रखने की ज़रूरत है ताकि नई नस्ल जो देखे वो भी देखे कि प्राचीन दौर का ये मंदिर है, प्राचीन दौर की दरगाह है, प्राचीन दौर का चर्च है, और ये सरकार ने इसको सुरक्षित रखा है। ये हमारी सबसे बड़ी एकता है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और ये हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। इसके ऊपर सरकार को, हमारे जिम्मेदारों को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनंती है, इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हर मामले में अगर हम हिंदू मुस्लिम बीच में लेंगे या हो जाएगा या कुछ ताकतें ऐसी मिलकर काम करेंगी तो हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारा देश बड़ा खूबसूरत है, हमारा देश विश्वगुरु बनने जा रहा है। ऐसी घटनाएँ घटेंगी और लाखों के दिल में अगर खटास पैदा होगी तो बताइए फिर वो हमारा चाँद पर जाना, चाँद को छूना क्या मायने रखता है। तो हमें एक ऐसा विश्वास का माहौल, ऐसा एकता का माहौल बनाना चाहिए कि हर समाज का व्यक्ति, जिसकी संख्या अगर पूरे देश में अगर उसकी आबादी अगर 2 लाख की भी है, तो उसको भी लगना चाहिए कि नहीं, मेरे धर्म स्तर की सुरक्षा हो रही है, मुझे इंसाफ मिल रहा है, मेरे साथ न्याय हो रहा है, उसकी ऐसी एक भावना होना चाहिए। भले विकास अगर कम ज़्यादा हो चलेगा, लेकिन अगर जब धर्म के ऊपर बात आ जाती है तो आदमी चिल्ला उठता है, परेशान हो उठता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि देखिए, ये जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ तो सिर्फ ये मकसद से बना रहा हूँ कि कोई ऐसी घटना ना हो, कोई ऐसा वातावरण तैयार ना हो कि जिससे हमारी हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो या हिंदू मुस्लिम एकता हमारी कमज़ोर हो। मैं ये नहीं चाहता, बल्कि ये हमारी ताकत बढ़े, इस नीयत से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो खैर, मैं थोड़ा असली विषय की तरफ आता हूँ कि दरगाह वालों कमेटी पूरे हिंदुस्तान में, जैसे हमारे पास शामी दरगाह रहमतुल्लाह अलैह है, निज़ामुद्दीन औलिया है, बने मियाँ आज़ाद है, और बहुत सी दरगाहें हैं, पीरगब साहब की दरगाह है। तो हम, क्योंकि मैं भी काफ़ी मज़ारात पे गया हूँ, मतलब दरगाह शरीफ में गया हूँ, ज़्यारत करके आया हूँ, तो मैंने कई ऐसा बोर्ड नहीं देखा। हो सकता है भाई आपके पास किताब विताब में होगा तो अलग शक्ल है, लेकिन बोर्ड नहीं देखा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि लवे का बोर्ड बनाया जाए, 5x5 का या 10x10 का, जिसके अंदर उर्दू में, हिंदी में, मराठी में और इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ जाए कि दरगाह शरीफ 400 साल पुरानी है, ये बाबा का नाम ये है, और उसके अंदर सीजरा भी बताया जाए, ये किसके वंश थे, इनके बच्चे कौन थे, कितने साल से यहाँ आए थे, ये मज़ार शरीफ कब बनी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब लोग पढ़ेंगे, हमारा हिंदू भाई भी पढ़ेगा, मुसलमान भाई भी पढ़ेगा, सब समाज के लोग पढ़ेंगे, तो वो पीढ़ी को मालूम रहेगा कि मैं खुलदाबाद में गया था, दौलताबाद में गया था, औरंगाबाद फला दरगाह गया था, मैंने बोर्ड पढ़ा था कई बार, हर उर्स के मौके पर जाता था कि ये दरगाह 400 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, जो भी है। तो आने वाले भविष्य में अल्लाह ना करे, ऊपर वाला भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, ये ऐसा वाकया पेश नहीं आ सकता कि भाई नाजायज़ या कुछ बनावटी। क्योंकि कभी कभी क्या होता कि अक्सर आप देखते हैं सरकारी कार्यालयों में आग लग जाती, कभी कभी ऐसा घटनाएं सुनने को मिलती, तो क्या होता, सरकारी रिकॉर्ड गायब हो जाता, गायब होने तो जल जाता। अब अल्लाह ना करे, अभी वक्फ बोर्ड का मामला है, अभी कागज़ है पुराने, 100 साल पुराने, फट रहे, टूट रहे, तो कम से कम हर दरगाह वालों ने क्या करना चाहिए कि कम से कम वक्फ बोर्ड को बोल के उसका स्कैनिंग करो, उसकी वीडियोग्राफी करो, और कानूनी पहलू से जो मजबूती आ सकती है उसको बनाने का प्रयास करो, उसका गजट नंबर लिखो। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि जो नई नस्ल कि उनको मालूम पड़ेगा, अगर मैं शानुर मियाँ हमीर रहमतुल्लाह अलैह की मैं बारगाह में जा रहा हूँ, उर्स शरीफ के मौके पर जा रहा हूँ, वहाँ इतना बोर्ड लगना चाहिए कि भाई ये बुजुर्गान का पूरा नाम ये है, ये इतने साल पुरानी है,
इसका वक्फ बोर्ड में गैजेट नंबर ये है, इसका 712 नंबर ये है, और ये जो भी है और उसकी जो भी अहम बात है, जो ऐतिहासिक बात है, जो इस बात को दर्शाती है, जो इस बात को साबित करती है कि भाई ये मतलब कोई ऐसा नाजायज़ कब्जा, ये जैसा नहीं कि आजकल अफवाह का बाजार गर्म है, बदनाम करके कुछ जा रही है, तो ये माहौल बने ना और किसी को नापाक साजिश करने का मौका भी ना मिले। क्योंकि अब क्या हो रहा और क्या हो जाएगा वो बता नहीं सकते, एक अजीब बेचैनी का माहौल है। अब क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ, मेरी भी आस्था जो है तो बुजुर्गानी ने अलिया से जुड़ी हुई है, तो मुझे भी तकलीफ हुई। मुझे तकलीफ इस बात की हुई, ठीक है भाई आपने एक इंसानियत के लिए आपने सोचा है कि चलो एक शाहरा बन रही है, एक्सीडेंट होंगे, जो भी आपकी सोच होंगी, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से बयानात आ रहे हैं कि भाई ये नाजायज़ मज़ारात बन रही है, ये नाजायज़ मज़ार बीच में है, तो नाजायज़ मज़ार होती कैसा? अगर कहीं मंदिर बन रहा है तो मैं मुसलमान हूँ, हालांकि मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है अगर कहीं पर मंदिर बनता है तो वो ईश्वर का, भगवान का घर है। उसको आप ना ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये एक साल पुराना है, नहीं, जहाँ भगवान का घर है वो ईश्वर का घर है, बस उसके अंदर कोई कंपरमाइज़ नहीं। अगर कोई भी धर्म स्थल है, अगर वो किसी मतलब लोगों की सहूलत के हिसाब से अगर कुछ चर्च बनता है कि वहाँ के लोग जनसंख्या ज़्यादा है, ये हमारे दलित समाज की है, कोई भी समाज की, उनके धार्मिक हिसाब से मंदिर बनता है तो उसके अंदर ईश्वर बसता है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते, ये उसकी आस्था जुड़ी हुई है। तो कम से कम ये जो अल्लाह का घर है, इसे मस्जिद कहते हैं या मंदिर कहते हैं, ईश्वर का घर कहते हैं, तो इसके अंदर हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर अभी भी बनता है, अगर बन के 24 घंटे मंदिर को रहे, तो वो ईश्वर का मंदिर है, एक पवित्र मंदिर है, एक पवित्र स्थल है, तो उसको हम उसके ऊपर कुछ नहीं वो नहीं करना चाहिए। बल्कि अगर आप हिंदू हैं तो वो आपका अधिकार है, आप पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर हम मुसलमान हैं, अलग समाज के लोग हैं, तो हमको उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ये होना चाहिए। ये नहीं, क्योंकि आस्था है ना, आस्था है, तब आस्था पे देश में क्या नहीं हो रहा, ये क्या बड़े बड़े फैसले आ गए, यानी आस्था है बोल के। अब ये जो मज़ार थी, अब यहाँ भी 1500 लोग आस्था थी और आस्था है, ऐसा नहीं है। आज भी अगर तुम जाके देखो, जहाँ भी अगर कोई कब्र बनी हुई है तो मुसलमान भी यूँ करता है। आप देखो ट्रेन में से, बस में से, यहाँ तक कि हमारा हिंदू भाई जो हिंदू मुस्लिम एकता पर विश्वास रखता है, या दरगाह बुजुर्गान दीन की मतलब चौकट पे दरगाहों से आस्था रखता है, तो वो भी मैंने खुद अपने आंखों से देखा हूँ, वो ट्रेन में जाते हो तो दरगाह आती है तो यूँ करते हैं। ये हमारी ताकत है। ये रास्ते पे जो मंदिर बने हुए, ऐतिहासिक बने हुए हैं, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, जो भी धर्म स्थल है, ये हमारा ताकत है। ये हमारे ऐतिहासिक भारत की पहचान है कि भारत में इतने लोग रहते थे, इतने लोग हैं, और ये हमारे ये सब सुरक्षित है, इसलिए मेरा कहा जाता है कि मेरा भारत महान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम दरगाह कमेटी के लोग थोड़ा आप जागिए, और जो एक किताब छापी, किताब उर्दू में, मराठी में, इंग्लिश के अंदर, और उसके अंदर पूरे शिजरे के साथ ये बुजुर्ग गांधी ने औलिया का नाम क्या है, कितने साल पुरानी दरगाह है, उसके अंदर पूरी डिटेल रखो कि इसका सरकारी गैजेट वक्फ बोर्ड में इसका गैजेट नंबर ये है, उसका 712 नंबर तहसील नंबर में ये है, इसकी प्रॉपर्टी ये है, फला गो में इसकी 7 एकड़ ज़मीन है, ये दरगाह को फला 5-6 दुकान है, ये सारी इंद्राज रखो आप। कल को अल्लाह ना करेगा कोई ऐसा कुछ इलीगल कुछ कार्रवाई की ना आपको घटना हो जाए, तो कम से कम पुरावा रहता। अब जो पुराने लोग हैं, आज मुतवली है, जिनकी उम्र 50, 60, 70 साल, ठीक है, मरना सबको है, अब पुराने लोग जो जानकार है वो तो चल जाएंगे, फिर हमारे जैसी पीढ़ी को क्या मालूम। मुझे खुद नहीं मालूम, हालांकि मैं औरंगाबाद का रहवासी हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम कि जैसा बने में हजरत है, मैं दरगाह का वो हूँ, मैं हर दरगाह में जाता हूँ, एहतराम से जाता हूँ, ज़ियारत करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला तूने नेक वलियों को मतलब जरिए से हम तक ईमान की दौलत से हमें मालामाल किया, इस्लाम पहुँचाया, हम शुक्रिया अदा करते हैं, ज़ियारत शुक्र अदा करते हैं। तो मुझे खुद नहीं मालूम कि उनका गैजेट नंबर क्या है, मुझे खुद नहीं मालूम। अब आप बोलेंगे जनाब ये गैजेट नंबर तुमको क्या करने का, पूरी दुनिया को मालूम है ना, वो 100 साल पुरानी दिख रही ना, पुराने पत्थर है ना, तुम भी एड़े बाले बात कर रहे क्या। एक सादी भाषा में लोग ऐसा कहेंगे, देखिए नुक्कड़ चौरा बैठ के, मैं सादा भाषा का इसलिए इस्तेमाल करता कि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि एक दो कमेंट ऐसे आए थे, अरे बोले यार तुम ऐसी बात करते, अरे जनाब मैं इतने सलीके से उर्दू बोल सकता, इतनी प्योर हिंदी बोल सकता, अगर 5 मिनट का अगर न्यूज़ बना के डालूँ ना, तो आप बोलेंगे आपके चैनल पर होना चाहिए, आपको हिंदी टीवी में होना चाहिए। इतनी शायस्तगी के साथ नाप तोल के कम भाषा में, कम अल्फाज में कैसी न्यूज़ देना, ये सलीका है मेरे को। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं न्यूज़ ऐसी बना रहा हूँ
कि मेरा समाज जो ज़्यादातर झोपड़पट्टी में रहता है, जो सादी बोलचाल पे कुछ समझने में समझ सकता है, करके मैं सादा लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ। नहीं तो मैं एक पत्रकार हूँ, मैं संपादक, मुझे मालूम है कि कैसा बोलना चाहिए, लेकिन जब जो भाषा में लोग समझ सकते हैं तो करके मैं वो भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। समझ रहे हैं आप, जो कमेंट करने वालों को जवाब दे रहा हूँ। अब ठीक है, मैं असली मौजूद पर आता हूँ। तो ये लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर मैं उरस का मौका है, अगर मैं वहाँ ज़ियारत को गया तो वहाँ के ऐसा टेबल लगना चाहिए, एक किताब देना चाहिए कि भाई ये लियो, ताकि हम हमारे नस्लों को बता सके कि शाहरुख मियां रहमतुल्लाह अलैह के एग्जांपल दे रहा मैं आपको। एग्जांपल है, कोई ऐसा बुराई से मकसद नहीं भाई, अन्यथा आप बोलेंगे ऐसी क्या बात कर रहे हैं कि भाई ये दरगाह का क्षेत्र पड़ता है, इसकी जायदाद इतनी है, इसका कब्रस्तान इतना है, एक नॉलेज में होना। नहीं तो हो रहा क्या भाई, वो आज वो कब्रस्तान 2 एकड़ का है, बाद में हल्लू के 1 एकड़ में आ गया, मतलब रोड निकल जा रहा, तो कम से कम मालूम तो होना चाहिए। अगर पुराने लोग खुदा ना खास्ता इंतकाल कर गए कमेटी के, तो हमारे ऐसे लोग मालूम रही नॉलेज में रहा कि गजट नंबर ये है, इसका क्षेत्र पड़ी है, तो हम जाके कल जाके सरकार से नुमाइंदगी करेंगे वर्क बोर्ड से कि साहब ये वर्क बोर्ड में कब्रस्तान जा रहा, तो ठीक है कोई बात नहीं आप ले लीजिए, लेकिन कम से कम हमको दूसरी तरफ सरकार जमीन तो दीजिए। ये नई नस्लें जो है, नई कमेटी, नई लोग, ये कम से कम अच्छे अंदाज से लड़ेंगे ना। जब इनको खुद नहीं मालूम रहेगा कि हमारी ज़मीन कितनी है, कितनी गई, तो फिर क्या बचता। बहरहाल ये कोई बदगुमानी नहीं है आपसे, कि कोई आप पे शक शुबा भी नहीं है, लेकिन नई पीढ़ी को भी मालूम होना चाहिए, यही मेरा मकसद है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम हिंदुस्तान भर में लवे के ऊपर बोर्ड में एक अच्छे अंदाज से गैजेट नंबर, ये गैजेट नंबर क्यों बढ़ रहा मैं, क्योंकि अखबार में अब ये नहीं आना चाहिए कि गैर कानूनी दरगाह, गैर कानूनी आस्ताना या गैर कानूनी कब्रस्तान, अल्लाह ना करे। क्योंकि जब ये इतनी बड़ी बात आ गई तो फिर आप बचता क्या, तो अल्लाह ना करे ऐसा दोबारा ना हो, गैर कानूनी ना जायज शब्द का इस्तेमाल ना हो, तो ये आपको ये बोर्ड दर्शाता रहेगा। और जाहिर सी बात है, जब उरस आता है तो हमारे हिंदू भाई भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, आते हैं, कम ज़्यादा संख्या में आते हैं, और शासकीय अधिकारी आते हैं, कभी जिला कलेक्टर साहब आते हैं, कभी पुलिस कमिश्नर साहब आते हैं, कभी मतलब करंट के आमदार आते हैं, खासदार आते हैं, वो भी आते हैं, बोर्ड को पढ़ेंगे देखेंगे, तो उनको भी मालूम रहेगा कि नहीं भाई इसका गजट नंबर ये है, तो कम से कम एक माहौल तो क्रिएट होगा कि नहीं भाई इनका जो कब्रस्तान की जगह है, दरगाह की जगह है, या इसका जो भी परिसर है, मैदान है, ये लीगल है कानून हिसाब से, कम से कम उनके दिमाग में तो रहेगा। कल को आगे तो कुछ कहेंगे उनको, साहब वो कब्रस्तान इलीगल बना रहे, तो वो आमदार साहब को बोलेंगे, अरे पागल, मैं तो हमेशा 5 साल से मैं दरगाह में जा रहा, मैं हमेशा वोट पड़ता हूँ, गजट नंबर ये, एक मिसाल जैसा। अरे भाई शरारत करने कुछ भी हो सकता, अरे भाई जब बदमाशी करना है तो कैसी अंदाज से हो सकती है, क्योंकि माहौल भी वैसा चल रहा है ना। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है कि आज कानून भी हमारे साथ में, कानून से हमको इंसाफ भी मिल रहा है, लेकिन शर्त यह है कि हम हमारे अंदर भी कोई अच्छी एक मजबूती पैदा करें, साफ सफाइयत पैदा करें। और ये वाकयात जो घट रहे हैं, तो हम एक गैजेट करें सरकार से, हम क्योंकि अगर पूरा मजबूत रिकॉर्ड रहेगा, हर तरीके का रिकॉर्ड रहेगा कि इसका उरस मनाया जाता था, इसकी उरस की मंजूरी है वगैरह वगैरह जो भी है, और बेहतर अंदाज से, तो हम कल को कोर्ट में यहाँ खड़े हो सकते हैं कि साहब ये ऐसा ऐसा मसला है। और महाराष्ट्र सरकार से और भारत सरकार से हमारी मेरे हाथ जोड़ के विनंती है, देखिए मैं एक भारत का सच्चा नागरिक हूँ, यहाँ की देश की एकता अखंडता पर मेरा विश्वास है, मेरा तो इतना विश्वास है, अगर मेरी देश पर मुसीबत आती है, अगर मेरी जान चली जाती है देश को बचाने के लिए, तो इससे बड़ी फख्र की बात, गर्व की बात मेरे लिए हो नहीं सकती कि मेरे देश के लिए मेरी जान चली जाए, मेरे तिरंगे की सलामती की मेरी जान चली जाए, इससे बड़ी गर्व की बात हो नहीं सकती। तो मैं आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरी अपनी राय नहीं है, लाखों मुसलमान करोड़ों मुसलमान से जुड़े हुए, आपसे गुजारिश है जहाँ भी हाईवे निकल रहा है तो हमारे साथ मास्टर प्लान करें, हमारे साथ ऐसा कुछ करें कि अगर बीच में कोई दरगाह आ रही है, कोई ऐतिहासिक मस्जिद आ रही है, तो भाई 2 किलोमीटर पीछे, 2 किलोमीटर आगे, हम अगर सीधा जा रहा है तो थोड़ा टेढ़ापन करके ले सकते हैं, क्योंकि आज का टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और क्या नहीं हो सकता है। तो ऐसा कीजिए ताकि हमारी जो हिंदू मुस्लिम एकता है, एक दरगाह के आस्थानों से, ऐतिहासिक मंदिरों से, चर्चों से, हमारी एकता बनी रहे, मजबूती आए, दिल में खटास, ठीक है हमको इंसाफ नहीं मिला, हमको बोले तो मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला, आरक्षण नहीं मिला, ठीक है समझ में आती, चटनी मुच्छी खा लेंगे, लेकिन जब मस्जिदों पर बात आ जाएंगी, दरगाह बात आ जाएंगी, तो दिल में ख्याल तो आता ना, तो फिर ये अन्य कहाँ तक, एक सवाल तो आएंगे ना, आप ही फैसला कीजिए कहाँ तक। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की और एकता के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सरकार से गुजारिश है कि खुदारा पार्लियामेंट में, विधानसभा में इस विषय को मत उठाइए, बल्कि अगर कुछ मसला है तो गांव के लोगों को बुला के अच्छे अंदाज से मध्यस्थता करके क्या हो सकता है करने कुछ कीजिए, क्योंकि इससे हमारा गलत मैसेज जा रहा है। इसमें मैं तो व्यक्तिगत से कहूँगा, इसमें बीजेपी सरकार ही बदनाम हो रही है कि भाई ये इनके दौर में ऐसा ऐसा हो रहा, हो सकता है कि कुछ कानूनी कार्रवाई आप सही कर रहे हो या आपकी इन्फॉर्मेशन सही हो, लेकिन उसको विश्वास में लेकर, ताकि हमारी हिंदू मुस्लिम एकता भी बनी रहे, उसको भी लेकर चलना, ये आपकी अखलाकी जवाबदारी है। तो उम्मीद करता हूँ
कि तमाम हिंदुस्तान भर के जो कमेटी के लोग हैं, औरंगाबाद के तमाम दरगाह कमेटी के लोग हैं, खुलदाबाद शरीफ के कमेटी के लोग हैं, देखिए आपसे कोई बदगुमानी नहीं है, मैं आपका एहतराम करता हूँ, आपकी खिदमत को सलाम करता हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं, संदल शरीफ पूरा शरीफ बहुत अच्छे से ज्यारत ज़ायरीन का इस्तकबाल करते हैं, उनके इंतजाम करते हैं, बहुत अच्छी है, आपकी खिदमत को सलाम है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि वहाँ पर एक बड़ा बोर्ड लगाइए, गैजेट नंबर लगाइए, वो गैजेट का कुछ और एक किताब भी छापिए, जो भी दरगाह शरीफ है उस दरगाह की पूरी तफसीलात हो, और ख़ास बात यह है कि उसके अंदर सरकारी सातवां नंबर क्या है, गैजेट नंबर क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, ये होना चाहिए, और उसके अंदर ये भी है कि भाई कितने साल से उर्स मनाया जा रहा है, अतराफ की जो कुछ बहुत सी दरगाह ऐसी है जो मैदानों में है इसमें है, ताकि अल्लाह ना करे ऐसा ना हो जाए, क्योंकि शहर बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, कल को और का रास्ता निकल गया फिर बोलेंगे ऐसा ना हो जाए कि भाई नाजायज, तो हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा, वहाँ पर बड़ा बोर्ड लगा हुआ रहेगा, वहाँ अगर तार फिक्सिंग रहेंगी, तार फिक्सिंग करो अगर खुला मैदान है तो, ये आपकी जवाबदारी है, ये आपकी जवाबदारी है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ बुरा बोलना, कुछ आप पे कीचड़ उछालना मकसद नहीं था, अगर किसी को बुरा लगा है तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये एक वक्त हालात की ज़रूरत है कि हमें नए हालात में और मजबूती के साथ हिसास रहते हुए और अच्छे अंदाज से हम कैसा कर सकते हैं हिफाजत के लिए ज़मीनात की, उसकी इसकी कोशिश कीजिए, और वक्फ बोर्ड से और पक्के अच्छे डॉक्यूमेंट जैसे बन सकते हैं, ताकि अगर कल को अल्लाह ना करे हम हाई कोर्ट में खड़े रहे, सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहे, तो हमें इंसाफ की मजबूती के साथ ऐसा तौखुर है कि नहीं हमारे पास मजबूत डॉक्यूमेंट्स है और सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, तो यकीन तौर से हमारे हक में बेहतर फैसले आएंगे, क्योंकि कानून में ठोस सबूत देखता है, दलायल देखता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे, ये मकसद से मैं वीडियो बना रहा हूँ, उम्मीद करते हैं कि तमाम दरगाह के मुतियालान हैं, सज्जाद नशीन हैं, आप इसके ऊपर बहुत सीरियस लीजिए, ऐसा मत कीजिए कि चलो भाई होता है इक्का दुक्का वाक़ घटता है, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बहुत हालात अलग आ रहे हैं, हमें भी चाहिए हम बेहतर तरीके से वक्फ की ज़मीनात की खबरस्तानों की उसका गैजेट नंबर शीर्ष पेड़ आप लिखो, ताकि आम जनता जो जाने वाली है उनके जहन में भी आए, अल्लाह ना करे कोई शरारत महसूस हो तो जनता भी गवाही दे, यार हम ये बोर्ड तो हम 10 साल से देख रहे, ये 20 साल से देख रहे, ये तो दरगाह का नंबर ये है, गैजेट नंबर ये है, ये तो 7 एकड़ का है, ये तो 2 एकड़ का है, खुदा ना खास्ता कल को अगर हालात आए तो ये जो हज़ारों जो लोग हैं आम जनता है ये हमारे साथ में खड़े रहेंगे, ये हमारे साथ में खड़े रहेंगे, ये गवाही देंगे कि नहीं साहब हम देख रहे हैं, कल को अल्लाह ना करे हालात ख़राब है, तो उम्मीद करते हैं कि भाई देखिए अब तो दिमाग भी काम नहीं कर रहे कि क्या हालात आएंगे। तो बहरहाल जो ठीक लगा बेहतर लगा मैंने आपसे गुजारिश किया, उम्मीद करते हैं कि आप उस संजीदगी के साथ इस बात पर लबैक कहेंगे, बस यही आपसे एक दरख्वास्त है, देखते रहिए आप HDM News चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।